हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं पेलोडिया व्लॉग्स। आज महाशिवरात्रि भी है तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम जिस जगह पे आए हैं उसका नाम है जैपनीज गार्डन और ये सेक्टर 31 में है। फ्रेंड्स, इसका नाम जैपनीज गार्डन इसलिए है क्योंकि इसका जो थीम है वो जैपनीज आर्किटेक्चर जितना है उस पर बेस्ड है। यहाँ पे इवन छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा गया है जो जैपनीज आर्किटेक्चर से ली गई है। आप देखेंगे यहाँ पे छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं वो भी सारी जैपनीज जो आर्किटेक्चर उससे ली गई हैं। आप ये देखिए, एक छोटे से जो लाइट के लिए भी जो बनाया गया है जैपनीज आर्किटेक्चर से लिया गया है। ये पूरा जो अंदर जो डिटेलिंग की गई है, जो ये बनाए गए हैं, जो जितने भी स्कल्पचर्स वगैरह लगाए गए हैं, सारे जापानीज थीम पे बेस्ड हैं।
एंड जापानीज माइथोलॉजी में ड्रैगन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो ये यहाँ पे जापानीज गार्डन में यहाँ पे ड्रैगन भी बनाए गए हैं। ये देखिए बच्चों के लिए बनाया है ड्रैगन की शेप में, और आगे भी आपको काफ़ी ड्रैगन की शेप में काफ़ी कुछ मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और ड्रैगन की शेप में स्कल्पचर बनाया हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोल है इस पर तिरंगा लगा होता है, आज लगा नहीं हुआ, वैसे मोस्टली यहाँ पे तिरंगा लहराता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इस पोल की। सेक्शन में जापानीज ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई। देखिए जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं इसका सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है जापानीज ट्रेडिशन में। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रैगन स्टाइल में यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे ड्रैगन के शेप्स में चीजें बनाई हैं। यहाँ पे जिम है, ओपन जिम,
लेकिन ये COVID-19 के कारण इसको कवर कर दिया है। तो देखिए चारों तरफ से कवर करके इसको रखा हुआ है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू सो मच।